पाकिस्तान में इतनी महंगाई की तरह कहाँ पढ़ने देगा ये पाकिस्तान। सही, ये आप लोग घर देख लें इस तरीके के होते हैं घर हमारे हिंदुओं के, और ये मवाशी बांधे हुए हैं इन लोगों ने। अभी मेहनत मजदूरी करते हो? जी हम भी इनके साथ में ही है, बस मेहनत मजदूरी जो भी मिल जाती है वो कर लेते हैं। तो ये ना दोस्तों एक किस्म का औजार है, लकड़ियां काटते हैं। औजार तकरीबन लाख के करीब, लाख के करीब है। अच्छा जी ये देख लें, खेल रहे हैं, देख लें जी क्या खेल रहे हो। अच्छा क्या नाम है आपका? गुल्लू। ये देख लें, ये देख लें दोस्तों। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है अनदर व्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में आप लोगों को पाकिस्तानी हिंदुओं से मिलवाऊंगा और उनसे बात करेंगे, उन लोगों के घर में आप लोगों को दिखाऊंगा, उन लोगों से मिलवाएंगे आप लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान में वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। जितने भी घर देख रहे हैं ये जो ना पाकिस्तानी हिंदुओं के हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वारनी में, और ये चक वारनी है, और ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग, ये तमाम के तमाम जो ना हिंदू बच्चे हैं। नाम क्या आपका? प्रीतम। आपका क्या नाम है? अच्छा आपका क्या नाम है? ठीक है जी, चलें देख लें। ये इधर भी हिंदू कम्युनिटी के सारे घर हैं, और इधर बात करी जाए तो ये भी सारे जो है ना हिंदू ही हैं, रह रहे हैं इधर। देख लें जी इस तरीके से है, और वो देख लें जी वो भैंस जो है ना चढ़ा रहे हैं डाले के ऊपर, ठीक है ना। इन लोगों ने बेच लिया दरअसल, तो ये जो ना आगे लेके जा रहे हैं। चलें भरल, ये घर जो है ना हिंदुओं के हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं, घर के अंदर चलेंगे, इन लोगों से भी बात करेंगे। तो देख लें ये तमाम के तमाम जो है ना बच्चे हिंदू कम्युनिटी के हैं सारे। तो ये देख लें कुछ खेल रहे हैं, देख लें जी क्या खेल रहे हो। अच्छा क्या नाम है आपका? गुल्लू। ज़बरदस्त जी, देख लें ये सारे जो है ना हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं, और ये देख लें ये बच्ची है, क्या नाम है? सुमनिया। सुमनिया है जी बच्ची का नाम। तो इस तरीके से ना सारे घर जो है ना हिंदू कम्युनिटी के हैं हमारे। इधर बात करी जाए तो ये भी घर जो है ना सारे के सारे हिंदुओं के हैं। इधर देख लें, एक घर ये है, एक घर जो है ना वो उधर है, उधर चलेंगे। पहले जो है ना ये आप लोग घर देख लें, इस तरीके के होते हैं घर हमारे हिंदुओं के, और ये मवाशी बांधे हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे जो है ना व्यू है इस घर का, एक घर ये है और एक घर जो है ना वो सामने है, उधर चलेंगे। उधर जो है ना काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। तो देख लें जी ये बच्चा हमारे साथ चल रहा है, और ये देख लें इधर जो है ना, इधर भी हमारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये मकान जो देख रहे हैं, और ये भी जो ना हिंदुओं के घर हैं। तो ये देख लें, ये जो ना मड से बनाया गया, कच्ची मिट्टी से बनाया गया ये मकान, और नीचे से देख लें आप लोग कैसे जो है ना मतलब के इसकी कंडीशन बन चुकी है। तो ये देख लें जी ऐसा व्यू है इस घर का, इधर देख लें जी ये बच्चे सारे जो है ना आगे हैं मुझे देखकर, जैसे वीडियो बन रही है ना। तो चलें दोस्तों आप लोगों को जो है ना भाइयों से मिलवाते हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है ना अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्या क्या कारोबार करते हैं। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में किस तरीके से रह रहे हैं, क्या है कंडीशन इन लोगों की। हैं जी ये घर है, और ये पेड़ है, इधर देख लें पेड़ उन्होंने ना घना सारा लगाया हुआ, नीम का पेड़ इसको बोलते हैं, और ये इनको इन लोगों के मवेशी हैं सामने देख लें। तो चलें ये भाई सारे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इन भाइयों से बात करते हैं। राम राम भाई। जय श्री राम। नाम बताएं अपना? शामीर कुमार। शामीर कुमार जी, क्या काम करते हो आप? काम बस ये ताज़ा मजदूरी करके खाते हैं, लकड़ी शकड़ी काटते हैं, दिहाड़ी आती है फिर करके खाते हैं, यही काम है, और क्या पाकिस्तान में हो सकता है। सही है सही है, मतलब दिहाड़ीदार मजदूर हो? मजदूर है, ताज़ा रोजी करके। ताज़ा रोजी, कितने की दिहाड़ी कमा लेते हो आप? यही 700-800 रुपए कमा लेते हैं, वो जाते हैं शाम को चूल्हा चलता है बस 700-800 से। साफ जाहिर है इतनी महंगाई में जो है ना, महंगाई बहुत है, क्या करे, फैमिली है माशाल्लाह। सही है, कितनी फैमिली मेंबर है आप? मैं पांचवा नंबर हूँ मैं। पतले कभी आपसे जो है ना, और भी फैमिली मेंबर हैं आपके? हाँ जी जी। अच्छा जी सही हो गया। ये छोटा भाई है मेरा। ये छोटा भाई है आपका, आपका नाम क्या है? प्रकाश जी। प्रकाश, आप क्या काम करते हो? दिहाड़ी मजदूरी। सारे दिहाड़ी वाले मजदूर हैं जी। अच्छा जी देख लें जी, पढ़े लिखे हो? नहीं। आप पढ़े लिखे हो? नहीं नहीं, एक भी नहीं पढ़े? नहीं नहीं, पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिली, पढ़ने का कहाँ से, पाकिस्तान में इतनी महंगाई की तरह कहाँ पढ़ने देगा ये पाकिस्तान। सही है, देख लें जी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा, इस वजह से ना हम पढ़ लिख नहीं सके, और आगे जो है ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आगे। खेती बाड़ी अपने करते हो?
अपनी खेती बाड़ी है? नहीं नहीं, जिम्मेदारों की है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो मुस्लिम कम्युनिटी की जो ना जिम्मेदारी करें ये लोग, उन लोगों की फसल है, कितना हिस्सा चल रहा है क्या फिर? मतलब दसवां साफी, दसवां हिस्सा, नौ हिस्सा उनका, दसवां हमारा साफी। अच्छा जी, मतलब नौ हिस्से वो रखेंगे, एक हिसाब को देंगे उसमें से। काम तो हम लोग ही करते हैं, उन लोगों का जमीन ही है। मतलब कि ये खेती बाड़ी जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के सामने कर रहे हैं, उन लोगों की खेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लें कि अगर लाख रुपए आता है ना खेती बाड़ी में, तो 10,000 इनको दिए जाते हैं, बाकी 90,000 जो है ना उन लोगों को दिए जाते हैं। मतलब कि जिम्मेदार रख लेते हैं खुद। आप लोगों को पढ़ रहे हैं? नहीं, बच्चे अभी तक हुए नहीं, अभी तक शादी हुई है। अच्छा अच्छा, शादी हुई है, शादी हुई है, बच्चे नहीं हैं। हिंदू भाई हैं, इधर देख लें। राम राम भाई, नाम क्या है? चंदू राम। आप भी मेहनत मजदूरी करते हो? जी, हम भी इनके साथ में हैं, बस मेहनत मजदूरी जो भी मिल जाती है वो कर लेते हैं। और ये घर आपका है? जी, ये घर हमारा है। अच्छा जी, देख लें, इस तरीके का घर है, मतलब के फूल वगैरह बनाए हुए हैं घरों के ऊपर, तो अच्छे जो है ना मतलब के डेकोरेट किए हुए हैं। और ये इन लोगों के मवेशी हैं, देख लें आप लोग। अच्छा, ये मवेशी सारे आप ही के हैं चंदू भाई? जी जी, ये सब हमारे हैं। अच्छा जी, बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोगों के? बच्चे नहीं, बच्चे ये अभी फिर रहे हैं, अभी छोटे, अभी डरते जाते नहीं सब। सही है, डरते जाते नहीं है। आपका नाम क्या है? प्रीतम। अच्छा जी, और आप स्कूल जाते हो? नहीं। तो देख लें जी, ये है हमारे हिंदू कम्युनिटी का यहाँ पर फ्यूचर। बच्चे जो है ना छोटे बच्चे में लगा रहते हैं, सब भेजते हैं मगर जाते भी नहीं। अच्छा, बोलते हैं सारे मारता है। अच्छा, एक दो बार छोड़ा है, कहते बोलते हैं कि मास्टर आपको मारते हैं, मतलब टीचर मारते हैं, इस वजह से नहीं जाते। तो आप फोर्स किया करें ना इन्हें, जो है ना दबाव रखा करें ताकि ये पढ़ लिख जाएं। अच्छा, ये क्या है? ये टोकी। टोकी, तो ये ना दोस्तों एक किस्म का औजार है, लकड़ियां काटते हो। ये ना कपास की जो लकड़ियां होती है ना, चुन लेते हैं, चुनाई कर लेते हैं कपास की, फिर जो वो लकड़ियां रह जाती हैं फिर इससे काटा जाता है। ये जो ना इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टोकी। टोकी, देख लें जी, इस तरीके की टोकी है। और ये देखें, ये बाइक है दोस्तों, इस तरह के बाइक होते हैं हमारे। ये होंडा है ना, होंडा सीडी, देख लें जी। ये कितने का होगा? यही होगा 70,000। हाँ, अभी तकरीबन 60-65-70 के करीब। 60-65-70,000 का होगा। क्या क्या मॉडल है ये? 17 मॉडल, देख लें दोस्तों, ये 17 मॉडल है, और 60-65 का जो है ना अभी बिक जाएगा अगर शोरूम पर ले जाए ना इसको। अच्छा जी, सही है। तो मुझे देख लें, ये तमाम के तमाम हिंदू कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप, कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद सब सब भाइयों को। इस भाई को लाइक करें, इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, भाई ने जैसे कहा, ठीक है, ओके गुड। तो मज़ी देख लें जी, ये जो है ना इन लोगों के घर का कुछ सीन है, इधर देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ना अपना जीवन यहाँ पर गुजार रहे हैं। मज़ीद आप लोगों को फटा रक्षा दिखाते हैं, ये पाकिस्तान में होता है फटा रक्षा दोस्तों, इधर देख लें जी, देख लें जी, ये है फटा रक्षा। इस तरह का जो है ना फटा रक्षा होता है हमारे पाकिस्तान में, तो मतलब कंडीशन तो इसकी लो भी बड़ी है। अच्छा जी, देख लें, 80,000 तकरीबन, लाख के करीब, लाख के करीब है। अच्छा जी, ये देख लें, ये इस पर फटे रक्षे पर मतलब के ना मेहनत मजदूरी ये लोग करते हैं। अभी छुट्टियां लेने जा रहे हो? लकड़ियां, मतलब लकड़ियां काटने लेकर, जो ये औजारा औजार बताया था ना, इससे लकड़ियां काटेंगे, फिर इसके ऊपर जो है ना उठाएंगे लकड़ियां। अच्छा, इस पर लकड़ियां, मतलब ये जो ना लकड़ियां उठाकर जो ना इस पर फेंकेंगे। सही है जी, जबरदस्त, स्टार्ट करो इसे, देख लेते हैं। ये स्टार्ट कर लिया भाई ने, और जो है ना जा रहे हैं काम पर अपने, ठीक है, बाय, गुड बाय, बाय बाय। ये देख लें दोस्तों, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर यहाँ पर हमारे हिंदुओं का। नौजवान नस्ल जो है ना कारोबार में लगी हुई है, मेहनत मजदूरी कर रही है, कोई आगे जो है ना बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे। ये पढ़ लिख जाते तो आप लोग सोच सकते थे कि ये जो है ना आगे अच्छा बिजनेस कर सकते थे, अच्छा कारोबार कर सकते थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को पाकिस्तानी हिंदुओं से मिलवाया कि वो पाकिस्तान में किस तरीके से रह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।